खबर है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू में आंतरिक कलह को लेकर बीजेपी की नजर बनी हुई है और बीजेपी सूत्रों के अनुसार कई नेता जेडीयू छोड़ना चाहते हैं। चुनाव से पहले उन नेताओं को बीजेपी में लाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी आलाकमान ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। जेडीयू वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है, ये सूत्र बता रहे हैं। जेडीयू नेताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने कमेटी भी बना दी है, यानी ये जो कमेटी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है, ये कमेटी जेडीयू के उन नेताओं पर भी नजर रखेगी जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें उसमें शामिल कराया जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो जेडीयू के वोट बैंक पर नजर है बीजेपी की। अमितेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमितेश, इस बड़ी खबर को जो हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी कमेटी बना ली है, यानी जो पहले से बताया जा रहा था कि जेडीयू के अंदर टूट तय है, क्या ये उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, जब संसद का सत्र अभी चल रहा था तो शीतकालीन सत्र के दौरान ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें बीजेपी के तमाम सांसद, बिहार के जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद है वो मौजूद थे। उसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। यानी बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे उस बैठक में। उसमें ग्रीन सिग्नल जरूर मिल गया है अमित शाह की तरफ से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। उसके बाद बीजेपी ने एक अलग से बैठक की और बैठक के बाद कमेटी बनी है जिसमें तीन लोग शामिल हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और तीसरे नितिन नवीन। इन तीन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से वेलकम कमेटी है या फिर स्वागत समिति, आप इसको अनऑफिशियली जरूर कह सकते हैं, बीजेपी की तरफ से बनाई गई है जिसमें जेडीयू के वो नेता जो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी में आना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के पहले, उन पर बीजेपी की नजर है और तीनों नेता रास्ता तैयार करेंगे, पाथ तैयार करेंगे। यानी कोई भी अगर आना चाहे तो गाहे बगाहे इन्हीं से बात करना होगा। आप कह सकते हैं कि इन्हीं से बात करके ही यही रास्ता तैयार करेंगे तीनों नेता, ये कमेटी तय करेगी। उसके बाद वो नेता बीजेपी में एंट्री करेंगे और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार भले ना आए, ललन सिंह नहीं आ सकते हैं, केसी त्यागी जैसे हार्डकोर जो सोशलिस्ट हैं वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं बीजेपी के संपर्क में हैं, आना चाहते हैं, उनको लिया जाए। और जो जेडीयू का वोट बैंक है, चाहे अति पिछड़ा वोट बैंक हो, इसके अलावा जो सवर्ण समुदाय का जो वोट बैंक, जो एंटी आरजेडी वोट बैंक रहा है, सबको साथ लिया जाए, उन नेताओं को साधा जाए और लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू में अगर टूट की संभावना होती है या कोई नेता छोड़कर आना चाहता है तो उनका स्वागत किया जाए। ये ग्रीन सिग्नल पार्टी आलाकमान की तरफ से मिल चुका है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के ये बात बिल्कुल साफ है जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के, अभी उनको लेकर के कोई हरी हंडी नहीं है। उस तरह की कोई भी चर्चा और बातचीत से, गठबंधन की संभावना से बीजेपी के सोर्स इनकार कर रहे हैं। चलिए अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पटना उनकी वापसी हो रही है, जिसे लेकर पूरे पटना में पोस्टर और बैनर लगा दिए गए हैं। लेकिन ठीक इसके बीच सुशील मोदी के लिए लगा पोस्टर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं, वहीं सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए एयरपोर्ट से लेकर पटना के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं और उसमें सुशील मोदी को बीजेपी का भीष्म पितामह बताया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सुशील मोदी का आज जन्मदिन नहीं है, बल्कि उनका जन्मदिन 5 जनवरी को होता है, लेकिन नीतीश कुमार के आगमन के समय ही सुशील मोदी के लिए लगा यह पोस्टर कई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। एनडीए शासन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बिहार में हमेशा खास रही है, ऐसे में बीजेपी का भीष्म पितामह बताकर कई संदेश देने की कोशिश है। जायजा लिया है संवाददाता रवि एस नारायण ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज उनकी पटना वापसी हो रही है और पटना वापसी में यहाँ पे आप पे पूरे पटना शहर में स्वागत में बड़े बड़े जो पोस्टर और होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाई और पटना के धरती पर स्वागत है। लेकिन इस खास मौके पर एक तस्वीर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो है कि ठीक बगल में जहाँ पे पूरे पटना में नीतीश कुमार की पोस्टर लगी है उनके स्वागत को, ठीक उन सारे जगहों पे सुशील मोदी की तस्वीर यहाँ पे लगी है
और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। और सबसे खास बात ये कि बिहार भाजपा के भीष्म पितामह बताए गए हैं सुशील मोदी। जी हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुशील मोदी का जो जन्मदिन है वो आज नहीं है, सुशील मोदी का जन्मदिन 5 जनवरी को है। ये बात जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब 5 जनवरी को सुशील मोदी का जन्मदिन है तो आज जहाँ पे नीतीश कुमार आ रहे हैं, तमाम जगहों पे पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हीं तमाम जगहों पर सुशील मोदी का जो पोस्टर पहले लगाया गया है और इन्हें भीष्म पितामह बताया गया है। ये पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि पूरे एनडीए के शासन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार पर शासन किया है और सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में बिहार में ये जोड़ी बड़ी सफल रही है। तो इस पोस्टर के जरिए जो है